प्रभास एक ऐसे स्टार है जिनको पूरे देश में काफी पसंद किया जाता है। उनकी एक्टिंग की भी हर तरफ तारीफ सुनने को मिलती है। प्रभास के ब्लॉकबस्टर फिल्मों की लिस्ट में सबसे ऊपर नाम बाहुबली का है। इस फिल्म को दो पार्ट में बनाया गया है और दोनों ही पार्ट ब्लॉकबस्टर साबित हुए हैं। अब इसके बाद 7 सालों के बाद अब प्रभास की ब्लॉकबस्टर फिल्म बाहुबली एक एनिमेटेड वर्जन के साथ वेब सीरीज के रूप में रिलीज होने जा रही है। जी हाँ, अब आप इस फिल्म के एनिमेटेड वर्जन में प्रभास को एक बार फिर जबरदस्त एक्शन करते देख सकेंगे। इस सीरीज का टाइटल बाहुबली द क्राउन ऑफ ब्लड रखा गया है। बाहुबली द क्राउन ऑफ ब्लड की रिलीज की बात करें तो यह 17 मई 2024 को पॉपुलर ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होने जा रहा है। ये प्रभास के फैंस खासकर बच्चों के लिए एक शानदार समर ट्रीट होने वाला है। लोग एनिमेटेड सीरीज में प्रभास को बाहुबली के नए अवतार में देखेंगे। पूर्वीरों की धरती माहिष्मती। जब अमरेंद्र बाहुबली माहिष्मती के शत्रुओं का सामना कर रहा था, उसके अपने भाई भल्लाल देव ने ही उसकी पीठ में खंजर घोंप दिया। इससे पहले एक और कहानी थी, माहिष्मती के इतिहास की एक ऐसी महागाथा जिसमें बाहुबली को अपनी सबसे कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। इनकी एक ललकार ने कई राज्यों के सिंहासन पलट।